तो आज हम बात करेंगे द नन 2 के बारे में। क्या ये मूवी अच्छी है, बुरी है, आपके देखने लायक है कि नहीं, तो आइए बात करते हैं। बात करें मूवी के पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, तो वो है इसका करेक्टर बिल्डअप। जिस तरीके से इसके पार्ट 1 द नन में जैसे करेक्टर को जिस जहाँ छोड़ा था वहीं से इसको सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू किया गया, जो आपको मिसमैच होने नहीं देगा, तो आपको हर करेक्टर के साथ बराबर पकड़ होगी। और बात की जाए स्ट्रॉन्ग पॉइंट सेकेंड की, तो वो है कि सेम करेक्टर रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई भी करेक्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। जो बंदा पार्ट 1 में था उसी को सेम पार्ट 2 में भी डाला किया है। बस इस मूवी में मेरे नज़रिए में बस यही दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। बाकी इस मूवी के इतने लूप होल्स और इतने वीक पॉइंट्स निकाल सकता हूँ कि गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। स्टोरी लाइन अप बहुत ही लेंदी, जो आपको देखने लिए सच में एक टाइम पे आने के बाद आपको बोर लगने लगेगा। बात की जाऊँ सेकेंड वीकेस्ट पॉइंट की, तो वो है इसका मूवी का लेंथ। जिस हिसाब से इसका लेंथ है 1 hour 55 minutes, इट मीन्स टोटली वेस्ट है, क्योंकि अगर इसको अच्छे से डाले होते तो ये 130 या फिर 125 इनफैक्ट में बन जाता। और बात की जाए मूवी के थर्ड वीकेस्ट पॉइंट की, तो वो है मूवी का एंडिंग। जिस हिसाब से आप जो एक्सपेक्ट कि भाई अब कुछ अच्छे होने, आप क्लाइमेक्स में अभी तक पूरा मूवी में अच्छा नहीं किया तो आपको लगेगा आप क्लाइमेक्स में अच्छा होने, लेकिन क्लाइमेक्स में भी आपको जस्ट हग देंगे ये लोग। क्योंकि जिस हिसाब से इसका जो मतलब पार्ट 1 में जिसने एक्सपेक्ट बता दिया था लोगों के मन में कि हाँ भाई द नन देखने के बाद लगा था हमें कुछ अच्छी डरावनी मूवी बहुत सालों बाद देखी, लेकिन द नन 2 मेरे नज़रिए में पूरा उसका उल्टा है। तो बात की जो मेरे हिसाब से, तो इस मूवी को रेटिंग में 5 में से 1 स्टार दूंगा, वो भी सब इस कैरेक्टर्स के लिए। बाकी कुछ नए से बने रहे और नेक्स्ट वीडियो के लिए।